पंक्ति मत लगाने।
हरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट रखी एक छोटी टोकरी फलों की तथा ऋतु अनुसार फूल और फूल माला तथा मिठाई का डिब्बा भी पास रखते हैं। यदि आप पूजन अपने कारोबार व्यापार दुकान या दफ्तर के लिए कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपनी बेबुक कैशबुक लेजर तथा कलम वाहन और एक रखो ना अभी एक थोड़े बहुत फूल तो इत्र चढ़ाया था उसमें इत्र चढ़ा। अब सारा परिवार नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर घर के एक कोने में जहाँ पूजन करना हो बिछाई करके बैठ जाओ। एक सिंहासन बनाकर उस पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर जो ही मिल सके विराजमान करें। पूजन के समय चांदी का एक रुपया नवग्रह वाले थाल में रखें। रुपया और पैसा ही लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है तथा कुछ रुपए और खुले हुए पैसे भी अपने पास रखें। बाजार से लाई गई लकड़ी में फुल्लियां अखरोट मिठाई आदि भरकर सामने रखें। हाथ में देवी उनके संस्कार में श्रद्धायुक्त स्थान लगावे तथा हो सके तो बोले ओ शुद्ध जल दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर उसका आत्मन करें और आत्मन पानी के तीन हिस्से बनाकर करना चाहिए। ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः। अब शुद्ध जल से हाथ को धोलें। फिर संकल्प के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर चावल फूल पत्तियां जल और दक्षिणा के पैसे लेकर बायां हाथ सीधा दाएं हाथ की हथेली पर रखें और संकल्प पंजाब क्षेत्र अमुक ग्राम अपने नगर का नाम लीजिए। बौधा बताए अमुक संवत से 2044 संवत से अमुक माह से कार्तिक माह से शुभ तिथो चतुर्दशम्याम अमुक वासे गुरु वासे अमुक गोत्र प्रवर विशिष्ट अमुक नामा हम। अब अपने अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कीजिए। नम कायक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात चतुर दोष परिहार्य हे लक्ष्मी पीजा थे श्री महालक्ष्मी पीजा थे सर्वार निवृत्ति पूर्वक सर्वाभीष फल प्राप्त व्यापारे लाभ्यर्थे गणपति नवग्रह कलशादी पूजन पूर्वक श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती लेखनी कुबेरादि नाम के पूजन विषय। अब अपने हाथ की सामग्री भूमि पर छोड़ दें। अब आप अपना सारा ध्यान नवग्रह पूजन के लिए बनाए गए थाल के ऊपर लगा लें। थाल के बीच में स्वस्ति चिन्ह बनाया गया है, उसके ठीक बीच में थोड़े से चावल और फूल पत्तियां बिछा कर एक काठी सुपारी पर मौली लिख कर उसको गणेश जी का प्रतीक बनाकर तथा अब सब लोग अपने बाएं हाथ की हथेली पर चावल ले में कुछ फूल मिलाकर और दाहिने हाथ से ढक कर अपनी आंखें बंद करके ध्यान मगन होकर स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करें। ओम नमः।
महाग्नाधिपत्ये नमः। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोर्ध पयस्वती प्रदिशा सन्तु ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो शन्पत्रयस्थो विष्णो सयूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षघ्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वघ्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि ॐ शुभशान्तिर्शान्तिर्शान्तिर्भवतु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ ॐेतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणि तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञम् इमं तनोत्तुरिष्टं यज्ञघ्वं समिमं दधातु विश्वे देवा सायिमाद्यन्तर्तिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ॐ गणानां त्वा गणपतिघ्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिघ्वं हवामहे निधिम्नां त्वा निधिपतिं घ्वं जानि गर्वध्वम् आत्वं जासि गर्वधम् ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रात्पतिभ्यश्च भो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृतस्पतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो समुखचै दन्तश्च कपिलो गजकर्णका लम्बोदरश्विकटो विघ्नाशो विनायका धूमर्केतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते ओ गणपति देव्यः तिष्ठ प्रतिष्ठो वरदो मम पूजां ग्रहा। अब सब लोग अपने हाथ की सामग्री थाली के मध्य में विराजमान गणपति गणेश के ऊपर विसर्जन कर देवे तथा पूजा के सामान की प्रतिष्ठो वरदो मम पूजां ग्रहा। अब सब लोग अपने हाथ की सामग्री थाली के मध्य में विराजमान गणपति गणेश के ऊपर विसर्जन कर देवे तथा पूजा के सामान की प्रत्येक वस्तु को हाथ लगाकर ऐसी प्रार्थना करें। भो गणपति देव विहागच इहि तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो मम पूजां ग्रहाण अहम त्वं पूजनार्थे आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनम स्नानम वस्त्रम उपवस्त्रम मधुपर्कम आभूषणम रक्तचंद्रम कुंकुम अक्षत पुष्प पुष्पमाला तथा
शुद्ध दुर्वा सुगंध तैल तथा च दक्षिणायां समर्पयामि। अब कलश स्थापन के लिए जो भी आपने चुना हो, मिट्टी का घड़ा अथवा पीतल या तांबे की गड़वी, उसमें शुद्ध जल भरकर और दोनों हाथों से उठाकर पहले उसका भूमि स्पर्श इस मंत्र से करें। ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनाय धरत्री पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं त्रिपिः पृथ्वीं मा असि। अब कलश स्थापना के लिए अति उत्तम रहेगा यदि आपने दुशहरे के मौके पर अपने घर में धान की खेती बीजी हो, उस पात्र को उठाकर सामने रखें तथा कलश धान की खेती के ऊपर स्थापित करें। सप्त धान्य पर कलश स्थापन करने से पहले यह मंत्र बोलें। ओम आजिक्र कलशम महया त्वा विशंत विंदवः पुनरुज्जानि वर्तस सानः सहस्रन धुक्षवोरुधारा पय स्वधी पुनरम्मा विताद्रेहि। अब कलश के जल में शुद्ध जल की धारा दोनों हाथों से छोड़ते हुए यह मंत्र बोले। ओम वर्णस्योत्तमनमसि वर्णस्य सकंभ सर्जनीस्थो वर्णस्य ऋच्छदन्यसि वर्णस्य ऋच्छदन्मसि वर्णस्य ऋच्छदन्मासि। ओम कलश कुंभाय नमो नमः। तथा अब कलश के जल में कुशा या दूर्वा के कुछ तिनके तीले छोड़ते हुए यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम कांडात कांडात प्रोहन्ति पुरुषः पुरुषस्परि ऐवानो दुर्वे रत्नु सहस्रेण शतेन च। वस्त्र का प्रतीक मौली का टुकड़ा हाथ में लेकर कलश रूप रखते हुए यह मंत्र ओम वसो पवित्रमसि सत्तारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्वा सविता पुना वसो पवित्री सत्तारी सुष्वा काम दुक्षा। हरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेटकर तथा दक्षिणा के कुछ रुपए साथ ही रखकर कलश के ऊपर स्थापित करने से पहले ऐसा मंत्र बोले। श्रीष्टे लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यत्तमा इष्णा निशाणाम मुमेषाणाम सर्वलोकम ईशाणाम श्रीफलम समर्पयामि। तदुपरांत दोनों हाथ जोड़कर यूं प्रार्थना करनी चाहिए। देवदानव संवादे मध्यमाने महो दधो उत्पन्नो असि यदा कुंभ विद्धितो विष्णुनाम स्वयं त्वत्त्वे सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवास्वयं त्वमेवासि विष्णुस्वयं च प्रजापति आदित्या वसुरुद्रः विश्वदेवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठ।